हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही पॉपुलर शो के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी समय से आ रही थी। उसका नाम है ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। इसके फर्स्ट सीज़न के मैं डबिंग आर्टिस्ट की वीडियो आज बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने कवर किए हैं। लगभग 30-40 कैरेक्टर्स हैं जो मैंने इसमें कवर किए हैं। बताने की कोशिश की है कि किन कैरेक्टर्स को किन इंडियन डबिंग आर्टिस्ट ने आवाज़ दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और मैंने काफ़ी मेहनत की है इसे बनाने में। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आप आने वाली कोई भी नई अपडेट को मिस ना करें इस चैनल से। तो चलिए, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। हाँ, मैं डरती हूँ क्योंकि मैं बदल रही हूँ। अब मैं खुद से भी डरती हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा डर दूसरे लोग नहीं है दीना, सबसे बड़ा डर है यहाँ अपने आप का सामना करना। क्योंकि एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो ये जगह आपको कैद कर लेती है हर तरह से। यहाँ सच्चाई खुद पर हावी होने लगती है दीना, और फिर वही आपको खुद से दूर ले जाती है। हेलो लेडीज, मैं हूँ नैटली फिगरोआ। मैं वार्डन की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, खासकर महिलाओं संबंधी जरूरतें, तो कृपया मेरे पास आए, मैं पर्सनली उन्हें अटेंड करूंगी। कब तक रहने का इरादा है चैपमैन? 15 महीने। यह तो कुछ नहीं, मैं 34 महीनों से यहाँ हूँ, लेकिन लाइन से चली तो जल्दी छूट जाऊंगी। तो मतलब तो तुम यहाँ ड्राइवर हो? तो तुम्हें लेने कोई राजकुमार आएगा क्या? यहाँ सब काम खुद ही करना पड़ता है डालेंगे। और उसका धुआं उसमें छोड़ोगी, बाद में मिट्टी से गड्ढे को भर दोगी, और बस तुम्हारा काम खत्म। क्योंकि मेरे पास न तो कोई मसाले हैं और न ही सरसों का तेल। इससे वो मर जाएगा? तुम भी तो यही चाहती हो ना? उसे ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? अबे यार, अभी तेरा बच्चा कच्चा है। देखिए, मेरे लिए यहाँ तक आना बहुत मुश्किल रहा है, और इतनी दूर आने के बाद अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छी बात है, और मैंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल। और अब जाके मैं वो औरत बन पाई हूँ जो ऊपर वाला मुझे बनाना चाहता था। सच में बहुत खूब। इन सब लड़कियों से अच्छा बर्ताव करने का यही नतीजा है, वो सिर्फ फायदा उठाना जानती है। तुम लोग भूल गए क्या, ये साली सबकी सब अपराधी हैं। और इस लूचक से तो मैं परेशान हो गया हूँ। जितनी भी बार मैंने इस लूचक की गांड पे लात मारने की कोशिश की, ये भैनचोद यूनियंस हर बार किसी चूतिये को बचाने में ही लगी रहती है। भैनचोद, ये देखो, सोफिया को बोला था मेरे बाल कलर कर दे, पर साली के पास टाइम ही नहीं है। ठीक, बाल तो दूर, मैं तो उस छक्के को अपने पास फटकने तक ना दूं। काश तुम भी रोजा की तरह उसके संतरे छोड़कर हर जगह से गंजी हो जाओ, और सोफिया का हैंड पंप अब कुआं बन गया है, समझी? मेरे पास कोई दुख भरी कहानी है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख मैं यहाँ झेल रही हूँ। तुम सब बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई है, और ऐसा था भी कुछ वक्त के लिए, जब मैं सिर्फ हेरोइन की डीलिंग कर रही थी। मतलब सिर्फ डीलर ही नहीं थी, इंपोर्ट भी करती थी। और फिर हाँ, उस वक्त मेरा ब्रेकअप हो गया, और उस वजह से मैं, दरअसल उसने बीच राह में मेरा साथ छोड़ दिया। मुंह बंद कर और मेरी बात सुन। देख, तू गॉड की कोई मैसेंजर तो है नहीं, समझी? देख, ऊपर वाला तो ऐसे ऐसे चमत्कार करता है जो तेरे बस के नहीं है। क्या मतलब? एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को रख के कैसे पैदा करती है? मेरी आंटी ने मेरी तेरी आंटी की माँ की आंख भैंचो। मैं यहाँ चमत्कार की बात कर रहा हूँ और तू उंगली किए जा रही है। सोफिया को सिर्फ चर्च की फिक्र है, और वो बस मदद करना चाहती है। तुम्हारा फैलाया रायता साफ कर रही है वो। अब समझ में आया बहन की टकी जो मैं इतनी देर से भौंक रहा था? इडियट है तू। तुझे पैदा करने में तेरे बाप की नहीं, गॉड की गलती है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो ना? एक्स गर्लफ्रेंड।
मैंने उसका केस स्टडी किया है और उसमें ये बात साफ साफ लिखी है कि एलेक्स वॉस ने ही पाइपर का नाम लिया। बढ़िया, थैंक यू। वो शर्ट मेरी है, मैंने तुम्हें दी थी। हाँ, तुमने ही दी थी मुझे, और अब ये मेरी है और मैं जिसे चाहे दे सकती हूँ। मेरी छान, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। वो अब मैं तुम्हारे कहने पर चलने वाली नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे मिस करोगे, और आजकल तुम्हारा काम ट्रिशिया से तो चल ही रहा है, लेकिन जल्द ही वो भी बाहर होगी। ये तेरा बेड है, ये रही खूटी, और एक बात का ध्यान रखना होगा, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। इस कमरे की सफाई का जिम्मा हम दोनों का है, किसी भी तरह की गंदगी नहीं चलेगी, इसलिए अपने जूते अंदर आने से पहले बाहर उतार कर आना। और हाँ, कैफेटेरिया में तुम्हारे नखरे देखे मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे लौंडे अच्छे लगते हैं या लौंडिया, लेकिन यहाँ नाटक किया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बहन गलत है, ये तो मेरे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है, उन्होंने हम पर सही ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी दिन भर वेला बैठा रहता था, सुट्टा मारता था, ना उन्होंने कभी कुछ कहा, ना ही सुधारने की कोशिश की, और अब अचानक से मेरी माँ मुझे क्रिसमस पर मिलना चाहती है। सब कुछ बदल सा गया, अब मैं उनका प्यारा क्याल बन गया। अब बस एक मिनट रुक जाइए, अब तू मुझे बताएगी क्या करना है। ज्यादा होशियार मत बन और चुपचाप मेरे साथ चल। वो बस आता ही होगा, हम लोग यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तेरा वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, ये रहा तेरा टेम्पररी आईडी, जैसे ही तुझे यूनिफॉर्म मिलेगा ना, ये उस पर चिपका देना। क्या तुम्हारे पास बैंक का एड्रेस है? कोई नंगी पुंगी फोटो तो नहीं है ना, कोई गंदी सी चीज, कोई सीडीवीडी? नहीं, कोई सीडीवीडी नहीं है। देखा, इन दोनों पर सेम नंबर है। पहली बार जब तुम इसे खोलोगी तो इसे स्पिनर कहते हैं, तुम्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से खेलना होगा, जैसे कि कॉल गर्ल आपको हर तरफ से खेलने देती है। मिस चैपमैन, तुम्हें यहां कोई परेशान नहीं करेगा जब तक तुम मौका न दो। ये तिहाड़ जेल नहीं है, यहां औरतें लगाई बुझाई में लगी रहती हैं। तुम अच्छे घर की लगती हो, इसलिए शायद पैसे ऐंठने की कोशिश करे। नाम दर्ज कराए? सबके नाम है उसमें। हाँ, तो जिन जिन के नाम लिस्ट में दर्ज है वो सभी मिलने आ सकते हैं, इस शनिवार रविवार आ सकते हैं, हम ये पूरी लिस्ट क्लियर करा देंगे। तो कहाँ चलोगी फिर? क्या मतलब? यहाँ से छूटते ही कहाँ जाना चाहोगी? जहां भी जी करे बता दो, बस एक बार भरोसा करके देखो। भरोसा करो तो जरूर होता है। तुम्हें याद है वो वाली इटालियन शॉप, एकदम घर के पीछे, वो चौराहे के पास, वहाँ की ब्रेड कितनी मशहूर थी? हाँ, बिल्कुल याद है। मुझे वहीं जाना है। और उसके बाद? कहीं भी, तुम्हारे साथ। तुम्हें टॉपिक चाहिए? ठीक है, ये रहा तुम्हारा टॉपिक, मेरी बीवी जेल में। फियांसे? वो वहाँ जेल में दूसरी औरतों के सामने नंगी नहाती और मैं ऑर्गेजम्स रोकने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा टॉपिक है, इस पर काम करो। मैं तभी समझ गई थी जब तुम इन सारे पैसेज का सिर्फ एक ही मतलब निकाल रही थी। तुम मेरे साथ खेल खेल रही थी? पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर इसका तुम्हारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम सच में औरत होती तो इससे दुखी नहीं होती, तुम्हें पछतावा है। किस बात का पछतावा? अपनी बीवी को अकेले छोड़ दिया माइकल के परवरिश के लिए। स्क्रू ड्राइवर गायब हो गया, किसी के पास तो होगा। मुझे क्या पता। नाम की लिस्ट कहाँ है? क्या बोल रहा है तू? मैंने कहा था कि कोई भी टूल्स लेता है तो उसका नाम यहाँ लिखना। तूने मेरे को ये नहीं बोला था, तूने मेरे को बोला था छिट ले और टूल दे, और फिर टूल वापस ले और छिट दे। मैंने वही किया जो तूने कहा। इसकी माँ का किसके पास है? मुझे अगर कोई टूल्स चाहिए तो टोकन जमा करो, टोकन्स पे नंबर डले हैं, और जो नंबर तुमको दिया गया है अगर वो टूल खो गया तो हमें पता चल जाएगा, और तुम्हारी ऐस खलास। जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? नहीं, मैं सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या सजा हो सकती है। लेकिन मेरे को ये धमकी लग रही है, कितनी बार बोलूँ कि मेरे पास है ही नहीं। टूल संभालने का जिम्मा मैंने इसको सौंपा था सर, इसी की गलती है। गलती की सजा मेरे को क्यों मिल रही है? ये तेरा काम था, मैं तो पिंजरे की बंदरिया हूँ, है ना? ये है मिस रोसा और ये निकोल्स, पिछले हफ्ते ही बाहर निकली है अंडा सेल से। पुलिस वाले को बोला था, अब ये गांड मरा। चूती, खुद की कब्र खोद ली। यानी कि काल कोठरी से? हाँ, दुआ करो तुम ना देखो, नरक है।
कोई थर्ड क्लास पार्टी भी इससे तो अच्छी होगी। देख जितना है उतने में खुश रहना चाहिए और आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जितना करो कम है, समझी? वैसे भी चैपमैन मेरे लिए अपील लिख रही है और वो समझदार है, तो मैं भी जल्दी बाहर निकल जाऊंगी, मेरी मर्सी के साथ, मेरी जान के साथ। पूरे 2 साल और फिर उसने मुझे धोखा दिया तेरे लिए। अगर तुझे अब भी दिखाई नहीं देता तो तू जितना दिखती है उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है। लगता है तू और तेरे परिवार वाले आपस में ही काम चला लेते होंगे, है ना? तुझे भी छोड़ देगी वो, हरामजादी है वो कुतिया, प्यार का मतलब नहीं जानती। मुझे अपने गुस्से को काबू करना पड़ता है तो ही ये लोग मुझे यहाँ पे रहने देंगे, क्योंकि मॉम डैड वकील सब ने वार्डन से यही लिखवाया है। मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, मैं सिर्फ सिग्नल भेजती हूँ ये वाला, ताकि गार्ड को लगे कि मैं खुश हूँ, नहीं तो वापस पागल खाने। मालूम है मेरे को जब पता चला था ना, बहुत गुस्सा आया था मेरे को, मैं उसे बहुत लव करता है रे। फिर मेरे को पता चला कि मेरी डाया का डिंग डोंग हो गया किसी गार्ड से, लेकिन मेरे को मालूम है कि तू उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। हाँ तू आर्मी से है तो तेरे भी कोई उसूल वसूल तो हो गया है कि नहीं? तू ऐसे ही उसकी झोली में बच्चा डाल के फुर तो नहीं होएगा? तो मैं सरदार बनती बजाय इसके। चलो अच्छा हुआ मुझे कैंसर हुआ, कैंसर से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। रेड से मिली? नहीं अभी नहीं। वैसे कैसी है वो? वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और काम पे भी नहीं आई। जब मैंने उससे कहा कि ऐसा करने पे वो तुम्हें अंडा सेल भेज देंगे तो उसने मुझे ऐसे देखा कि मेरी गांड फट गई। मुझे पता है वो कैसे देखती है। चैनल क्यों चेंज किया तूने? इस आइटम नंबर से मेरे सर में दर्द होता है, साला एक ही गाना बजाते रहते हैं। ये रेडियो वाले गजल वजल नहीं बजा सकते क्या? क्योंकि वो चूतिया पा है, गजल का मजा ही कुछ और है। 80s की गजलें, क्या शब्दों का खेल है। साली तू खुद 92 में पैदा हुई है। हाँ तो तुझे कैसे पता? मिस्टर हीली, वो सटकी नशेड़ी मेरे को टीवी का चैनल चेंज नहीं करने दे रही है, और अब टीवी देखने की बारी मेरी है, मेरे को वो बच्चे लोग वाला प्रोग्राम नहीं देखना है। ओह आप इसको हल्के में मत लो, ये सीरियस इशू है। वो लोग छोटी बच्चियों को डॉल बनाकर टीवी पे दिखाते हैं, ये बहुत गलत बात है, और अगर इससे किसी और को बुरा लगे तो लगने दो। ओके सच कहूँ तो वो ऐसा करते भी है तो इसमें गलत क्या है? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब इस बिजनेस को बढ़ाने का ये सही टाइम नहीं है। पॉली इसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद तुम जेल चली आई। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं बच्चा ना पैदा करके कुत्ता पाल लेती, पर बच्चे का सुनकर मैं खुश थी और कुत्तों से मुझे एलर्जी है। छोड़ो ये सब। ओह हाय सिस्टर, तुम तो चली गई थी ना? तुम्हें इसे यहाँ लगाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, चैपलिन ने तुम्हें सुबह बताया था ना? हाँ याद आया, तुम तो उसके चमचों में से हो ना जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, पर मेरे लिए सिर्फ मेरा गॉड ही है, और उसने उस दीवार पे लटकाने से मना किया था, हवा में टांगने से नहीं, तो डिस्टर्ब मत करो। ओके हाँ, हिरनों को गांजा बहुत पसंद है, जिसके नशे से वो पागल जैसे उछलने लगते हैं हर जगह, फिर वो और खाने के लिए आते हैं। परेशानी ये है कि तुम उन्हें चाहकर भी दूर नहीं रख सकते। मैंने सब कुछ किया, साबुन का बुरादा, लोमड़ी की पेशाब, जो वो किराने की दुकान में बहुत ही महंगा बेचते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के एक फैंसी लगा देती। क्या पटेली चल रेली, दबा के हमने तेरी ले ली। अच्छा? ईश्वर अच्छा, अपना अच्छा? भी खास है, उसका काला रंग ही तो क्लास है। हम हार्ड से भी हार्ड है, हमारे सीने में जलता फौलाद है। दोगले लोग बड़ी बड़ी बातें, बेटा जितना खा सको उतना ही चबाते, तुम्हारी औरतों की नींबू छोटे, आदमी के गोते छोटे, साले सिक्के छोटे। तू चाहती है मैं तुझे मारूं? ठीक है तो तैयार हो जा। तूने मेरे खाने को घटिया कहा? तुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई सता नहीं रहा, बस भूखा रखा जा रहा था। तेरी मौत हो गई, तू लिचफील्ड से कंकाल बनकर ही बाहर निकलेगी, समझी? बाऊ, चुपचाप मेरे किचन से बाहर निकल जा कमीनी। सीजर मेरे घर आया था। क्या सीजर? यही नाम है ना उसका, वो लंबा सा टकला जिसने कितनों को अपने हाथों से मारा, या तेज औजार से, या चाकू मार के, या किसी को जला के। उसने कहा वो तुम्हारा दोस्त है और उसे बच्चे पसंद है, वो ये देखने आया था कि मेरे घर में बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रूम है या नहीं। मॉम ने उसे बताया होगा शायद। और तुम मुझे कब बताने वाली थी? पता नहीं, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बताती। तो और किसे बताती? बोला तेरे सपने में ईश्वर ने आकर तुझे समझाया,
और अब से तू गरीब बच्चों को पढ़ाएगी और खेलना सिखाएगी, जैसे चेस या और कुछ, ताकि वो बच्चे तेरे जैसी गलती ना करे। इतनी एक्टिंग नहीं कर सकती। सुन सुन सुन, उनको बोल के तू पढ़ने कॉलेज जाएगी, और अगर ये सच हुआ तो क्या बनेगी तू, टीचर या डॉक्टर? मैं कोई वकील बन जाऊंगी, वैसे भी कोर्ट के चक्कर काट के आधा कानून तो अब तक सीख ही चुकी हूं। सुनिए बकचोदी बनकर, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे। पर हमने तय किया था ना कि हर दूसरे हफ्ते में तुमसे मिल जाऊंगा, ताकि मैं अपने लिए भी वक्त निकाल सकूं। तुमने ही कहा था ये, शायद तुम भूल गई हो। मेरी हर बात क्यों मानते हो? ओके, एक गेम खेलते हैं। इस हफ्ते उसने जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे याद रखो, ऑलराइट? और अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो हम उन सारी बुरी चीजों को बुरे से बदतर के स्केल पर रैंक करेंगे। तुम बिल्कुल एक टीनएजर जैसी लग रही हो, और ये स्कर्ट तो मुझे ये स्कर्ट क्यूट लगी है। मैं जब अपने लिए शॉपिंग करती हूँ यही होता है, क्योंकि मैं 16 साल की लड़की नहीं हूँ ना। और तुम्हें बनना भी नहीं चाहिए, तुम्हें एक क्लासी औरत की तरह तैयार होना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं क्लासी हूँ? मैं अपने पति को $2 वाले भांड की तरह नहीं देख सकती। ये सर तुम्हारे शरीर से 3 से 5 दिन में बाहर निकल जाएगा। जब तक तुम्हें उल्टी या पेट दर्द नहीं होता, तब तक यही बेहतर है कि तुम्हारी बॉडी अपने आप ही इसे गलने दे। वो तो मैं सुबह सुबह कर लूंगी। अगर ये इसोफेगस तक पहुंच गया तो बाकी सफर आसानी से तय कर लेगा। एक हफ्ते में नहीं निकला तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए अपने स्टूल पर नजर रखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे चलकर आप कौन से शो के डबिंग आर्टिस्ट देखना चाहेंगे। और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि इसके 7 सीजन बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की सीजन्स के भी डबिंग आर्टिस्ट इसमें शामिल करूं, और किस तरह से शामिल करूं, क्योंकि ये हर सीज़न में रिपीट होते हैं, क्या मैं नए डबिंग आर्टिस्ट इसमें ऐड करूं या फिर उन आर्टिस्ट को रिपीट करूं इसमें, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि आपको कोई किसी तरह की कोई समस्या ना हो इसे देखने में। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।